अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको अवेलेबल हो सके। नाउ वी आर गोइंग अवर लेक्चर्स। हम आज मैं आपको क्लास थर्ड का मैथ सब्जेक्ट मैथ का लेक्चर डिलीवर करूँगी, जिसमें हम पेज नंबर 13 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें हम बताएंगे राइट इट्स वैल्यू एंड ड्रा बीड्स ऑन अबेकस। जैसे पीछे मैंने आपको अबेकस के बारे में बताया था कि अबेकस हमारा वो डिजिट वो वर्ड है जो सबसे पहले या वो मशीन है जो सबसे पहले एडिशन के लिए हमने यूज़ की थी। इसी को लेकर चलते हुए हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे और जो ड्रा है वो इस अबेकस में बीड्स ड्रा करेंगे और उसकी वैल्यू भी बताएंगे कि जो डिजिट हमारे पास सेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करवाती हूँ। उसमें हमने नंबर लिया है 6104। ये हमारे पास एक नंबर है और उसमें जो डिजिट हमारे पास सर्कल है वो 1 है। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे ये क्या है। 4 हमारे पास 1 है, 1s है, 0 10s है, 100 6 हमारे पास 1000 है। अब हमें पता चला कि 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 100 की है। अब हम 100 वाले बॉक्स में 1 जो है बीड वो ड्रा कर देंगे। जितने मतलब इधर होंगे वो हमने उतने बीड्स इधर ड्रा कर देने हैं और साथ ही साथ हमने इधर अपनी उसकी वैल्यू बतानी है कि 1 हमारे पास क्या था 100। एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे 6 3 9 8। अब इसमें हमारे पास जो डिजिट सर्कल है वो है 9। हमने अबेकस बना ली अपनी, उसमें हम 1 10 100 और 1000 लिख देंगे। अब हम बताएंगे कि जो हमारे पास डिजिट सर्कल है उसकी वैल्यू क्या है। इसमें भी हम ऊपर 1 10 100 1000 लिखेंगे। ये लिखने से आपको हर वैल्यू की जो है वो प्लेस पता चल जाएगी। अब 9 हमारा क्या है 10th, तो हम 10th वाले बॉक्स में 9 बीड्स है वो ड्रा कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारी 10th की वैल्यू होगी। अब 9 हमारे पास 10th है तो हम इसे लिखेंगे 9 10 और 90। ये 90 बन जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 10 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। राइट द वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट। अब हमने सर्कल डिजिट की वैल्यू बतानी है। पहले हमने उसके फर्स्ट में हमने उसके अबेकस में बीड्स ड्रा की थे, अब हमने जस्ट उसकी वैल्यूज बतानी है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग करते हैं 9 3 0 8। अब इसमें हमारे पास जो 8 है वो सर्कल है। अब हम बताएंगे कि 8 हमारा क्या है। 8 है हमारा 1s और ये 1s है इसलिए ये सिर्फ 8 ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको 5 डिजिट्स वाला बताऊंगी। 6 2 4 0 8 मतलब 1 2 3 4 5 और इसमें हमारे पास 6 जो है वो सर्कल है। उसकी वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे कि 8 हमारे पास 1s है, 0 10s है, 4 100 है, ये 1000 है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया 10000। अब 6 हमारे पास क्या है 10000, लेकिन जब हम इसको नंबर में बताएंगे तो वो 6 10000 है तो 6 60 बन जाएगा, तो वो ये बन जाएगा 60000। ये था हमारा पेज नंबर 13। अब नेक्स्ट हम पेज नंबर 14 पे जाएंगे जहाँ हम एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे राइट 4 5 डिजिट नंबर
इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है। इन मैथ एक्सपेंडेड मीन वर्किंग आउट आर नंबर showing on the cards। इसमें हमने एक नंबर लेना है जिसके हर पार्ट को हमने शो करना है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें मैं आपको फोर और फाइव डिजिट पे बताऊंगी। सबसे पहले हम ए में ले लेते हैं 5715। ये हमारे पास कितने फोर डिजिट्स हैं। अब हमने लेफ्ट साइड से इसकी वैल्यू बतानी स्टार्ट करनी है कि हर पार्ट का जो नंबर का हर जो पार्ट है उसकी वैल्यू अलग अलग बतानी है कि वो क्या है। अब फाइव हमारे पास है 1000। उसके लिए आप इसके ऊपर 1, 10, 100, 1000 भी लिख सकते हैं, उसमें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। फाइव हमारे पास 1000 है तो हमने 5000 लिख लिया। सेवन क्या है, सेवन की वैल्यू 100 में आ रही है तो हम इसको 700 लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्लस का साइन, उसके बाद वन क्या है 10, तो हम इसको 1 नहीं बल्कि 10 लिखेंगे क्योंकि इसमें टेंस की वैल्यू है। अब हम लिखेंगे 5 वंस होता है तो इसको 5 एज इट एज इट। नेक्स्ट मैं आपको 5 डिजिट्स का समझा दूं, उसमें भी ये देखें कि 8 1 है, 0 10 है, 4 हमारा 100, देन 2000 और ये 10000 है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 हमारा 10000 है। जब वो टेंथ की बात आ जाती है तो वो हमारे पास 6 नहीं रहता बल्कि 60 बन जाता है। उसमें हमारे पास 2 हो, 3 हो, जो भी डिजिट्स हो वो 20, 30, 40, 50 ये चीज़ें टेंथ में बदते जाते हैं। इसलिए हम सिक्स को ओनली 6000 नहीं बल्कि वो 10 में आ रहा है तो हम 60000 इसको लिखेंगे। टू क्या है हमारे पास ओनली 1000, तो उसको हम 1000 में लिखेंगे। फोर है 100 लिखेंगे, टेंस की जगह 0 है तो 2 0 लगा देंगे। 8 हमारे पास 1 है तो 1 ही लिखेंगे। ये थी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम इन एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर्स में लिखेंगे। Look at these expanded form, then write in numbers। अब हम इन expanded form को numbers में लिख लें। जैसे 8000 है प्लस 470 प्लस 1। अब हमने सारे एक्सपेंड फॉर्म को नंबर में लिख देना है, उसका फर्स्ट डिजिट ले लेना है। 8000 का 8 ले लेना है, 100 का 4, 70 का 7 और 1 का 1। अब ये हमारे पास एक नंबर बन गया 8471। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फाइव डिजिट वाला, जैसे 30000 प्लस 2000 प्लस 100 प्लस 08। अब इसको हम नंबर में लिखेंगे। अब हम 30 का 30 नहीं बल्कि सिर्फ 3 लेंगे क्योंकि ये 10000 है, 10 लेंगे उसका वो 10 30 बन जाएगा, तो इसलिए हम इसका सिर्फ 3 वाला डिजिट लेंगे। 3000 का 2, 100 का 1, 10 की कोई वैल्यू नहीं थी तो 0 आया, इधर 0 लगाएंगे और इसका 8 लेंगे। ये पेज नंबर 15 पे पढ़ा कि लुक एट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म देन राइट इन नंबर्स। अब नीचे आ जाएं, उसमें हमने बताना है राइट द नंबर्स दैट कम। हमने बताना है कि उसमें हम पढ़ेंगे आफ्टर, बिफोर,
एंड बिटवीन। इसमें हम कोई भी डिजिट ले लें, इसका आफ्टर बताएंगे 9132 ले लेते हैं। जैसे आफ्टर मीन बाद, तो हम 9132 लिख के आफ्टर का बाद बताएंगे। आफ्टर का मीन होता है बाद, बिफोर पहले या पीछे वाला, बिटवीन दरमियान। आफ्टर बाद आने वाला, बिफोर पहले, बिटवीन दरमियान वाला। अब हम देखेंगे कि 9132 है, इसका इजी तरीका ये भी होता है, अगर हमने इसका आफ्टर लेना है तो हम इसमें वन ऐड कर लेंगे। 9132 है, उसमें अगर हम वन ऐड करेंगे, टू और वन थ्री, थ्री का थ्री वन, नाइन एज इट आ जाएंगे, तो हमारे पास आंसर निकल आया 9133। ये इसका आफ्टर आ गया। अब बिफोर के लिए हम देखें 2109, और बिफोर मालूम करने के लिए हम जो डिजिट है 2109 में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाइन में से वन सब्ट्रैक्ट किया, एट, ज़ीरो का ज़ीरो एज इट एज आ गया वन और टू, तो हमारे पास बिफोर निकल आया 2108। नेक्स्ट अगर हमने बिटवीन मालूम करना है, बिटवीन उसमें भी हम वन, जो स्टार्ट वाला डिजिट है उसमें वन ऐड करेंगे। अगर 4999 में वन हमने ऐड किया, नाइन और वन टेन, ज़ीरो लगा वन कैरी, नाइन और वन टेन, ज़ीरो लगा वन कैरी, नाइन और वन टेन, ज़ीरो लगा वन कैरी, फोर और वन फाइव, तो वो हमारे पास निकल आया 5000। इसके साथ मैं आपको पेज नंबर 13 पे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बताती हूँ। उसमें हम लोगों ने पूछा है द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। अब हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है वन से, तो सबसे स्मॉलर डिजिट जो हमारे पास है वह है वन। लेकिन वन से पहले भी हमारे पास, उससे पीछे भी हमारे पास एक स्मॉलेस्ट नंबर है, वो है ज़ीरो, तो हम इसको साथ ज़ीरो भी लिखेंगे। ऐसे अगर वो टू की जगह थ्री लिख देते हैं कि थ्री डिजिट नंबर बताएं स्मॉलेस्ट के, तो हमने वन को वन ही रहने देना है, मतलब इसको नहीं बढ़ाना, साथ हमने ज़ीरो बढ़ाते जाना है। थ्री पूछे हैं तो वो हंड्रेड में चला जाएगा। फिर है द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, और काउंटिंग में हमारा जो लास्ट पे ग्रेटेस्ट नंबर है वो है नाइन। जो टेन है वो अगर टेंस में चला जाएगा, ये डिजिट में पूरा है वो नाइन है। टू डिजिट्स पूछे हैं तो टू नाइन लिख देंगे, अगर थ्री डिजिट्स पूछे हैं तो इसमें हम लोग थ्री नाइन लिख देंगे। सो थर्ड क्लास, इसी के साथ हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है कि आप घरों में बैठ के इसको देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट हम ज़रूर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।